सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को, पाइए चैनल से जुड़े लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद दीपक सर। तो आप में से जो लोग चैनल पर नए हैं, सबसे पहले उनसे निवेदन है, नीचे एक लाल बटन बना होगा उसको दबाकर अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मिलेगा आने वाले सभी एग्जाम्स का फ्री प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर और अच्छे से अच्छी पीडीएफ बिल्कुल फ्री, जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल से फ्री प्रोवाइड नहीं कराई जाएंगी। तो दोस्तों आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों हम लोग आज बात करने वाले, भारतीय रेलवे का एक नया बयान आया कि जो प्रक्रिया उन्हें पूरी करने में 2 साल लग जाया करते थे, अब उस प्रक्रिया को यानी भर्ती प्रक्रिया को 6 महीने के अंदर पूरा कराया जाएगा। आइए इसको पूरी तरीके से पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है 6 महीने भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा रेलवे। डिटेल में जानते हैं, रेलवे में नौकरी के लिए आवेदन करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अभी तक 2 वर्षों में पूरी होने वाली भर्ती प्रक्रिया को रेलवे 6 माह में पूरी करने की योजना बना रहा है। रेलवे अभी कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है, इसे देखते हुए रेलवे भर्ती प्रक्रिया की अवधि कम करने के लिए ऑनलाइन परीक्षा शुरू करने पर विचार हो रहा है। वास्को डिगामा पटना एक्सप्रेस के 24 नवंबर को पटरी से उतरने के बाद हुई रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष अश्वनी लोहानी और महाप्रबंधकों की बैठक में रिक्तियों का मुद्दा उठा। बैठक में रेलवे के 17 महाप्रबंधकों की मौजूदगी में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक चाहते राम ने सलाह दी कि भर्ती प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लगता है, आवेदक जमा होने के बाद करीब 2 साल लग जाता है, कई आवेदकों को वैकल्पिक नौकरियां मिल पाती हैं, इससे भर्ती को अच्छी प्रतिक्रिया भी नहीं मिल पाती, ऑनलाइन परीक्षा आदि के माध्यम से प्रक्रिया तेजी से लाई जा सकती है। इस पर लोहानी ने कहा कि रेलवे भर्ती बोर्ड को प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए और इसे 6 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखना चाहिए। बोर्ड ने अपने विभागों को इस संबंध में 20 दिसंबर तक सभी प्रस्ताव सौंपने को कहा है। 2 लाख से ज़्यादा रिक्त पद अभी भी हैं। दिसंबर 2016 में रेलवे कर्मचारियों की संख्या 13 लाख थी, जबकि ग्रुप सी और ग्रुप डी में 2,25,823 रिक्तियाँ हैं। रेलवे द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े के अनुसार सुरक्षा श्रेणी में 1,22,911 रिक्तियाँ हैं और 1,74,064 रनिंग स्टाफ कम हैं। तो दोस्तों ऐसा माना जा सकता है कि आप लोग की जो रेलवे की वैकेंसी है वो भी जल्द आने वाली है और जैसा भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे, सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। लेकिन अब रेलवे की जो परीक्षा है उसका रिजल्ट जल्द से जल्द आएगा और आपकी सिलेक्शन बहुत जल्द होगा। तो रेलवे का ऐसा बयान आया है, इसे देखकर हम लोग कह सकते हैं कि शायद रेलवे कुछ जल्दीबाजी करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, लगातार जुड़े रहिए हमसे आगे की अपडेट के लिए। धन्यवाद।